हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल जॉब फॉर यू में स्वागत है। आज मैं जो जानकारी लेके आया हूँ, राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए जो फॉर्म अभी निकले हुए हैं, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड में जयपुर हुए, इसके लिए जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, 8th क्लास के भी है, 10th भी है, 12th भी है, बीटेक, आईटीआई, डिप्लोमा, बीकॉम, बीए, एमएससी, सभी के लिए है जो ये नोटिफिकेशन है। इसमें अलग अलग पोस्ट दी गई है, तो उनके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड है राजस्थान जयपुर, डिटेल एडवर्टाइजमेंट है ये, और इसमें दिया गया है कि जो पोस्टें हैं वो ये दे रखी है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर। इसमें बहुत ही छोटे चो छोटे दिए गए हैं, जनरल मैनेजर एनिमल हस्बेंड्री, जनरल मैनेजर प्लांट, जनरल मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल, तो सभी के लिए इसमें जो बेसिक पे रहेगा उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। जैसे कि जनरल मैनेजर के लिए इसमें 15,639,100 है, ग्रेड पे जो 8,200 है ये दिया गया है। आगे है जो पोस्ट डिवाइड की गई है कि कितनी कितनी है जो रहेगी, मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है आर से डी एफ, इसमें टोटल 4 है। इसके लिए जो डेप्यूटी मैनेजर इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट है, इसके लिए आर सी डी एफ, इसके लिए 15,639,100 ये इसका बेसिक और मैक्सिमम बेसिक, और ग्रेड पे 6,600 रुपये है एक पोस्ट है ये जानकारी दी गई है। और डी यू एस एस अजमेर, डी यू एस एस बीकानेर, डी यू एस एस जयपुर, सभी के लिए एक एक, और जयपुर के लिए 2 पोस्ट है डेप्यूटी मैनेजर के लिए। डेप्यूटी मैनेजर प्लांट के लिए ये इतनी वैकेंसीज है, डेप्यूटी मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ये आपको अभी दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। डेप्यूटी मैनेजर प्रोक्योरमेंट एंड इनपुट के लिए डीओएसएस अलवर, डेप्यूटी मैनेजर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन जोधपुर, डेप्यूटी मैनेजर कैटल फीड प्लांट के लिए डीओएसएस जयपुर कैटल फीड प्लांट। इंस्ट्रक्शंस ये साथ में इसके ग्रेड और रनिंग ग्रेड पे दिया गया है और बेसिक पे भी दिया गया है, पे बैंड ये देख सकते हैं आप। पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर इसके लिए दिया गया है, काफी पोस्टें हैं सभी के लिए अलग अलग दी गई है, तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो अच्छे से देख लें, ये दिया गया है। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट मैनेजर सिविल डीयूएसएस जयपुर के लिए एक पोस्ट है, असिस्टेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के लिए एक पोस्ट है जयपुर में, एनवायरमेंट एंड ईटीपी और बॉयलर ऑपरेशंस के लिए भी है, और असिस्टेंट मैनेजर रेफ्रिजरेशन ऑपरेशन के लिए डीयूएसएस जयपुर। डेयरी केमिस्ट ये जो पोस्ट है दी गई है, ये दिया गया है कोऑपरेटिव जयपुर और एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिलक यूनियंस लिमिटेड, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिस और डेयरी केमिस्ट के लिए, ये नीचे ग्रेड पे वाली है उससे 15,600 ये ग्रेड पे बैंड है जो 9,300 से 23,800 का है, और ग्रेड पे है इसमें जो 3,600 रुपये है, ये वो पोस्टें हैं। आप देख सकते हैं ये
दिया गया है, ये ग्रेड पे 5,200 से 20,200 वाली, जो जैसे 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास के ऊपर हैं, ये जो पोस्ट हैं बे उनका रेफ्रिजरेटर, ये जो पोस्ट है ये 9,300 से 3,400 फीटर की है। फीटर की जो ITI से किए हुए हैं उनके लिए, वेल्डर की ITI, वेल्डर, हेल्पर, डेयरी वर्कर, ये दिया गया है। तो इसको डिटेल नोटिफिकेशन को है जो जरूर देख लें। ये फिर आगे है जो फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं, सिग्नेचर वगैरह वो दिया गया है इसमें, तो ये जरूर देख लें। ये काफी लंबा डिटेल नोटिफिकेशन है जो 84 पेजेस का है, तो आप इसको है जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म है, जो अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म के लिए इसमें एक लिंक दिया गया है, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, वो आपको राजस्थान गवर्नमेंट की जो साइट है मित्रा, ये डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है। इसमें जो इस पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन फीस है जो रहेगी, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या रहने वाली है, जैसे कि जनरल, क्रीमिलियर और BC MBC, इसके लिए जो 1,200 रुपये हैं, और SC ST और नॉन क्रीमिलियर के लिए जो 600 रुपये हैं। फीस बहुत ज़्यादा है, मगर इसको जो चाहिए और जो फॉर्म अप्लाई जो तैयारी कर रहा है उसके लिए जो फॉर्म अप्लाई करना ही जरूरी है। ये नहीं देखना है कि फीस कितनी है, कॉल लेटर है जो आप यहाँ से जो दिया गया है, RRAJ@RACRB.Rajasthan.gov.in से है, जो आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म का पीरियड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो रहेगा 29 जनवरी से 26 फरवरी तक, अभी 2 ही दिन हुए हैं, तो 26 फरवरी तक रहेगा, आप इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं। ये सिलेबस दिया गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सभी के लिए दिया गया है कि किस किस पोस्ट के लिए है, जो कौन कौन से सिलेबस है और कितना जो एग्जाम है, वो एग्जाम का जो फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा, उसके बारे में जानकारी दी गई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में जानकारी दी गई है, तो आप ये जो जरूर देख लें। पेपर भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आएगा, क्योंकि राजस्थान की लैंग्वेज जो है, राष्ट्रीय की जो लैंग्वेज है फॉर्म के लिए और रिक्रूटमेंट के लिए, वो हिंदी है, तो वहाँ पे दोनों भाषा में नीचे दिया गया है 40 क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 2 मार्क्स 10 मार्क्स, ये आप देख लीजिएगा, इसमें डिटेल में ही दिया गया है सभी, जैसे कि इस पोस्ट के लिए ये आएगा, इस पोस्ट के लिए ये आएगा, इसमें सभी में जो ये दे रखा है, तो ये जरूर देख लें। इसको पॉज करके भी देख सकते हो आप वीडियो को, क्योंकि काफी लंबा वीडियो बन जाता है, तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी, 84 पेजेज हैं, तो आप इसको पॉज करके जो देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसमें ध्यान रखिए कि फॉर्म में आपका फोटो है जो अच्छे से आई और सिग्नेचर है। ये डिटेल नोटिफिकेशन है, पे स्केल है, पे एंड एनवायरमेंट पोस्ट वाइज है, जो पे स्केल है जो आपको बता दिया है मैंने पहले ही, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी पीछे दे दी गई है उसी के अंदर, जो और एज लिमिट है 21 ईयर्स, बट लेस देन 40 ईयर्स होनी चाहिए, 21 ईयर आपकी एज होनी होनी चाहिए, और जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलती है इसमें, SC ST OBC कैंडिडेट के लिए उसके लिए भी दिया गया है इसमें।
फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी, जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी, तो वो इसमें आप जरूर देख लें। रिजर्वेशन है जो वो के पोस्ट के लिए रिजर्वेशन कितना है, SC ST के लिए वो भी दिया गया है। ये डिटेल नोटिफिकेशन बायोमेट्रिक जो भी दिया गया आप जरूर देख लें। एग्जामिनेशन सेंटर है जो कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है, फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ अदर्स जो भी है उनके लिए, ये लास्ट में इसमें दिया गया भी है। पे स्केल्स एंड इमोलमेंट्स है जो क्या क्या है ग्रेड के लिए, वो इसमें दे रखा है, तो वो जो देखना चाहता है कोई यहाँ से देख सकता है। ये एब्रिवेशन दिया गया है, कोड नंबर दिया गया है, एनेक्सर दिए गए हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड थंब हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देना है। आपको बता दूं मैं दोबारा से, फोटोग्राफ का साइज है जो क्या रहेगा वो ये है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन साइन उसके लिए, इसको पोज करके अच्छे से पढ़ लें, ये दिया गया है इसमें पूरी डिटेल्स के साथ। ये था डिटेल नोटिफिकेशन, और अच्छे से पढ़ना चाह सकते हैं, इसका PDF भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आप, और यहाँ से इम्पोर्टेंट जानकारी आप जो यहाँ से पहुँच करके भी देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों, अगर पसंद आया तो वीडियो जो आप इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ से जिनकी जॉब की नीड है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।